हेलो स्टूडेंट्स, कल अपन पदार्थों के पृथक्करण के बारे में पढ़ रहे थे। पदार्थ के पृथक्करण की विधि में अपन ने ऊर्ध्वपातन के बारे में जाना। आज अपन आसवन और प्रवाजी आसवन विधि में क्या अंतर है, आसवन विधि और प्रवाजी आसवन विधि कब काम में ली जाती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए जो है आसवन और प्रवाजी आसवन में एक तरीके से तुलनात्मक अंतर करते हुए अपन पढ़ें तो अपने समझ में आ जाता है, ठीक है ना। और यदि दोनों के डायग्राम में देखें तो ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने डायग्राम पहले से ही तैयार कर दिया है जिससे ज़्यादा टाइम ना लगे। और आप बोर्ड पर देख सकते हो, ये आसवन और ये प्रवाजी आसवन विधि के लिए चित्र है। दोनों के डायग्राम में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। अब पहली बात आती है आसवन विधि। बात करते हैं आसवन विधि। आसवन विधि होती क्या है, कहाँ पर ये काम में ली जाती है। आसवन विधि, आसवन विधि उस जगह पर काम में ली जाती है जहाँ पर जिन पदार्थों की तुलनात्मकों के मध्य अधिक अंतर पाया जाता है, वहाँ पर पदार्थों के पृथक्करण के लिए आसवन विधि को काम में लिया जाता है। आसवन विधि में क्या होता है, आसवन विधि का नाम क्यों आसवन विधि ही पड़ा, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर जैसे जल और एसीटोन, जल और एसीटोन ऐसे दो पदार्थ हैं, ऐसे जो द्रव्य हैं, ठीक है, जिनका हमें एक दूसरे से क्या करना है, पृथक्करण करना है। तो उसके लिए आसवन विधि काम में ली जाएगी क्योंकि इनके पदार्थों के कुथनांकों के मध्य अधिक अंतर पाया जाता है। तो देखिए चित्र में ध्यानपूर्वक देखना, इन दोनों के पृथक्करण के लिए सर्वप्रथम हम जो आसवन फ्लास्क होता है, आसवन फ्लास्क में जल व एसीटोन के मिश्रण को ले लेते हैं, ठीक है। जो आसवन फ्लास्क होता है उससे एक निकास आसवन नली जुड़ी हुई होती है, ठीक है ना। ये आसवन नली इसमें से होकर जो है पदार्थ की बाष्प होते हुए जल संघन पदार्थ, आसवन फ्लास्क में जब पदार्थ को गर्म करते हैं तो यहाँ से पदार्थ की वाष्प होते हुए जल संघनक से गुजरती है, और जल संघनक जो है इस जल वाष्प को ठंडा करने का कार्य करता है। और ये वाष्प ठंडी हो करके हम जो है जब ठंडी हो जाती है तो इसे दूसरे पात्र में एकत्रित कर लेते हैं। इसलिए जिस पदार्थ का क्वथनांक कम होगा वो पहले विघटित हो जाएगा और जिसका अधिक होगा वो बाद में विघटित होगा। तो पहले एसीटोन विघटित हो जाता है और जल आसवन फ्लास्क में शेष रह जाता है। अब देखिए जल व एसीटोन के मिश्रण का पृथक्करण, सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, जल व एसीटोन के मिश्रण को साथ में लेते हैं और आसवन फ्लास्क में इसे रख करके जो है इसे आसवन फ्लास्क को जाली पर रखते हैं और स्टोव की सहायता से ही इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। इसका ताप मापने के लिए ऊपर की ओर तापमापी लगा देते हैं, जो समय समय पर हम इसका ताप नोट कर सकते हैं कि कितने ताप पर जो है ये वाष्प में परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसे गर्म करेंगे तो सर्वप्रथम एसीटोन जो है वाष्पित होना शुरू होता है और एसीटोन की जो है वाष्प बनना प्रारंभ हो जाती है, और एसीटोन की वाष्प जो है जल संघनक से गुजरती है। जल संघनक ये जल को ठंडा करने का कार्य करता है और ये जल जो है आसवन नली से होता हुआ एक दूसरे पात्र में या फ्लास्क में एकत्रित कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से एसीटोन और जल के मिश्रण को एक दूसरे से पृथक आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा आसवन विधि का प्रयोग जो है अपन कह सकते हैं जल में घुलनशील ठोस के पृथक्करण में, जैसे अपन को मान लीजिए अशुद्ध जल से शुद्ध जल प्राप्त करना है तो उसके लिए भी हम आसवन विधि काम में लेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें हम जब जल को गर्म करते हैं तो जल की जो है वाष्प बनना प्रारंभ होती है, और वो वाष्प जो है जब जल संघनक से होकर गुजरती है तो ठंडी हो जाती है, और जब वाष्प ठंडी हो जाती है तो पुनः द्रव में बदल जाती है, और द्रव जो है हमको अलग से पात्र में प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार अशुद्ध जल से शुद्ध जल भी जो है आसवन विधि द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रवाजी आसवन विधि।
प्रभाजी आसवन विधि में ध्यान देना, प्रभाजी आसवन विधि का नाम प्रभाजी आसवन विधि क्यों पड़ा है, क्योंकि इसमें जो एक नई चीज होती है, दोनों में डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पर अपने पास जो है प्रभाजक स्तंभ होता ही है, जो प्रभाजक स्तंभ है। अब इस प्रभाजक स्तंभ में जो है ये शीशे के गुटके पाए जाते हैं, शीशे के टुकड़े या शीशे के गुटके, शीशे के गुटके, ठीक है। प्रभाजी आसवन विधि कहाँ काम में ली जाती है? प्रभाजी आसवन विधि वहाँ पर काम में ली जाती है जिन पदार्थों के क्वथनांकों का अंतर 25 केल्विन से कम होता है। ध्यान देना, जिन पदार्थों के क्वथनांकों के मध्य 25 केल्विन से कम अंतर होता है, उनके क्वथनांकों के मध्य 25 केल्विन से कम अंतर होता है, वहाँ पर जो है प्रभाजी आसवन विधि काम में लेते हैं। अब दोनों का चित्र देखने में हमको सेम मिलेगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अंतर भी देखने को अपन को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है ना, थोड़ा सा अंतर अपन को देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ध्यान देना, प्रभाजी आसवन विधि में किन किन चीज़ों का पृथक्करण कर सकते हैं, जैसे वायु के मिश्रण का, पेट्रोल में पाए जाने वाले घटकों का, इन सभी का जो है अगर अपन को पृथक्करण करना होता है, एक दूसरे से अलग करना होता है, तो प्रभाजी आसवन विधि काम में लेते हैं, आसवन विधि काम में नहीं लेते, क्योंकि बिना होता है जिनके क्वथनांकों के मध्य 25 केल्विन से कम अंतर पाया जाएगा वहां प्रभाजी आसवन विधि काम में ली जाएगी। अब क्वथनांकों के मध्य अंतर कम है, तो क्वथनांकों के मध्य अंतर कम होने पर जब देखिए अगर हमको गर्म करेंगे, ठीक है ना, तो वो एक ही ताप परस्पर विघटित होने लगेंगे, ठीक है, और यहाँ पर जो है इसी कारण जो है प्रभाजी आसवन विधि को काम में लिया जाएगा। इसमें क्या करते हैं, इसमें भी देखिए सर्वप्रथम जो पदार्थ होता है उसे आसवन फ्लास्क में लेते हैं, सॉरी हाँ आसवन फ्लास्क, यहाँ पर अपन इसमें आसवन फ्लास्क में काम में लेते हैं पदार्थ को, और जो आसवन फ्लास्क है उसे जाली पर रख देते हैं। अब यहाँ पर आसवन फ्लास्क से एक युक्ति जुड़ी रहती है जिसे अपन प्रभाजक स्तंभ बोलते हैं, एक नवा संरचना है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं प्रभाजक स्तंभ। इस प्रभाजक स्तंभ में हमें शीशे के गुटके देखने को मिल रहे हैं, ये शीशे के गुटके यहाँ से जब बाष्प ठंडी होती है तो यहाँ से गुजरती है, तो इस शीशे के गुटके उसे सतह प्रदान करने का कार्य करते हैं तथा बाष्प को संघनित ठंडा कर देते हैं, ठीक है ना। जब यहाँ से बाष्प ठंडी होगी तो वही जो है आपके आसवन नली से होकर गुजरेगी, बीच में जल संघनक है, ये जल संघनक जो है इसको क्या कर देता है, ठंडा कर देता है, ठंडा करने पर वही बाष्प जल में परिवर्तित हो जाती है, और जल जब जल में परिवर्तित हो जाए वो बाष्प जल में परिवर्तित हो जाएगी तो उसे पात्र में एकत्रित कर लिया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर प्रभाजी आसवन विधि द्वारा जिन पदार्थों के क्वथनांकों के मध्य 25 केल्विन से कम अंतर पाया जाता है उनका पृथक्करण कर लिया जाता है। तो मेरे हिसाब से इसमें अगर आप देखो तो डायग्राम ज्यादा महत्वपूर्ण है, डायग्राम को यदि हम अच्छे से समझ लें तो थ्योरी अच्छे से समझ में आ जाएगी, यहाँ पर हमको रटना नहीं है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पर अपन इस प्रकार से शो कर सकते हैं इसको, जल यहाँ से जो है जल के प्रवेश के लिए, यहाँ पर जैसे मैंने लिख रखा है ना जल निर्गत, जल के निकालने के लिए, और यहाँ पर जल प्रवेशक, जल को प्रवेश कराने के लिए जो है स्थान होता है। तो इस प्रकार से ये दोनों विधि आपके सामने है, आसवन विधि और प्रभाजी आसवन विधि, दोनों में अंतर और दोनों के कार्य करने का तरीका, दोनों से पदार्थों का पृथक्करण किस प्रकार किया जाता है आपने अच्छे से समझा। आशा करता हूँ आपके वीडियो में सारी चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में अपन जो है पदार्थों के पृथक्करण के अलावा कोई नया टॉपिक लेंगे। धन्यवाद।